हेलो दोस्तों, मैं हूँ भाग्यश्री। आज हम इस वीडियो में वेंगन विलेज देखने वाले हैं। ये वेंगन विलेज बहुत ही सुंदर है और बहुत ही नेचर के करीब हमें ये ले जाता है। तो चलो ये वेंगन विलेज कैसा है देखते हैं। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। हमने लास्ट वीडियो में झरमैट विलेज देखा है और वहाँ से 2 से 2.5 घंटे की ट्रेन जर्नी करते हुए अभी हम लॉटरबुनन स्टेशन पे आए हैं। और लॉटरबुनन स्टेशन से अभी हमें वेंगन जाना है। तो वेंगन जाने के लिए हमने यहाँ से फिर से ट्रेन ली है। तो ये वेंगन जाने वाली ट्रेन ग्रीन और येलो कलर की है। तो अभी हम यहाँ से वेंगन जाएंगे। तो वेंगन जाने के लिए हमें सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगते हैं। और ये जाते जाते हमें ये लॉटरबुनन की वैली दिखाई देती है। हमने लॉटरबुनन की वैली का वीडियो पहले ही देखा है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो जाते जाते ये फिर से हमें वैली दिखाई देती है। और ये वेंगन विलेज पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ सुंदर सा विलेज है। तो अभी हम इस ट्रेन से वेंगन तक जाएंगे। और ये ट्रेन वेंगन से आगे जाती है जो यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन कहलाता है जोंगफ्रोच। तो वहाँ जाने के लिए इसी ट्रेन से हमें जाना होता है। तो हमारे ट्रैवल पास में सिर्फ वेंगन तक ही टिकट होता है। और हमें जब जोंगफ्रोच के लिए जाना होता है तो हमें अलग से टिकट निकालना पड़ेगा। तो इस ट्रेन से गुजरते हुए ये वैली और इनके बीच में बसे हुए ये सुंदर से विलेज, तो ये देखते समय हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं वेंगन विलेज में। और ये वेंगन विलेज का स्टेशन है। और यहाँ उतरने के बाद आपको यहाँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अभी हम यहाँ से विलेज घूमना स्टार्ट करते हैं। और हमें यहाँ से जाते हुए बहुत सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के शॉप्स दिखाई देते हैं। और यहाँ से कुछ दूर चलते ही हमें यहाँ पे टेनिस कोर्ट दिखाई देता है। और यहाँ से जाते हुए अचानक से बारिश भी होने लगी है। तो आप कभी स्विट्जरलैंड में आते हैं तो आप अपने साथ छाता कैरी करना ना भूलें। यहाँ पे हमेशा ही वेदर चेंज होता रहता है। और कभी भी बारिश होती है तो आप अपने साथ जैकेट्स और छाता कैरी करना ना भूलें। तो ये देखते हुए हम आगे जाते हैं। और आगे जाके हमने राइट टर्न लिया है। और राइट टर्न लेने के बाद हमें सामने यहाँ पे केबल कार है वो दिखाई देती है। और थोड़ा सा ही आगे जाके हमें केबल कार दिखाई देती है। तो ये यहाँ की मैनेजलन केबल कार है। तो ये केबल कार सिर्फ सीजन वाइज ही चलती है, अभी तो ये बंद है। और यहाँ से जाते हुए हमें सामने यहाँ पे प्ले एरिया दिखाई दिया है। तो वेदांत वहाँ जाके वो एंजॉय कर रहा है। और ये एक पाथ है। तो यहाँ से हम जाते जाते आप देख सकते हैं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, बहुत ही सुंदर से नज़ारे हैं। और ये मेनिचेलिन ढलानों के नीचे बसा हुआ सुंदर सा गांव है।
और ये वेंगिन विलेज भी कार्फ्री विलेज है और ये पहाड़ों पे बसा हुआ विलेज है, तो यहाँ पे व्हीकल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ व्हीकल्स है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक पर ही होती है और वहाँ के लोकल्स के लिए वो कुछ कैरी करने के लिए वो यूज़ करते हैं। और इसी तरह मुरेन भी विलेज ऐसा ही कार फ्री है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटरवे है, यहाँ से एक झरना जा रहा है। हमें यहाँ पे बहुत सारे झरने जाते हुए दिखाई देते हैं जो पहाड़ों के ऊपर से आए हैं, और ये सब झरने नीचे ट्रंबल बैच वाटरफॉल्स में जाकर मिलते हैं। ट्रंबल बैच वाटरफॉल जो पहाड़ों के अंदर से टनल निकाला है और उसमें ये वाटरफॉल्स जाके हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ नज़दीक ही गोल्डन इंडिया करके रेस्टोरेंट भी है, तो आप यहाँ आने के बाद इंडियन फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। और सामने हमें ये चेस एंड मेक चीज शॉप है वो दिखाई देता है। तो इस शॉप में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ हैं, तो आप कभी यहाँ पर आते हैं तो इस प्लेस को विजिट करें। और यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड की ट्रेडिशनल डिश है चीज़ फोंड्यू, तो ये भी यहाँ पे मिलता है। और ये वेंगन विलेज समुद्र तल से 1274 मीटर ऊंचाई पर है, यानी 4180 फीट की ऊंचाई पर है, और ये जंगफ्राउ रीजन का ही हिस्सा माना जाता है। और इस गांव में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे समर और विंटर में बहुत सारे लोग आते हैं और ये वेंगन विलेज को एक्सप्लोर करते हैं। और ये वेंगन विलेज टिम्बर चैलेट यानी लकड़ी से बने हुए घर के लिए बहुत ही फेमस है और ये बेले पॉप्स होटल्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से जाते जाते हमें एक चर्च दिखाई देता है। यहाँ वेंगन विलेज में तीन चर्च है, तो इसमें से ये पहला चर्च है, ए प्रोटेस्टेंट इंग्लिश चर्च है। और यहाँ हमें सामने कैट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जूम करने के बावजूद भी वो हमें इतना क्लियरली नहीं दिखा है, लेकिन सर्च करने के बाद हमें वहाँ पे पता चला है वेंगन में प्रिफेफेंडे लर्च करके लेजेंडरी क्रिएचर होते हैं और वो क्रिएचर सिर्फ वेंगन में ही पाए जाते हैं। और यहाँ से हमें ये आइगर माउंट पिक्स दिखाई देते हैं। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे होटल्स दिखाई देते हैं, और ये वेंगन विलेज होटल्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे नेचर के करीब लोग आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। और यहाँ से बहुत ही नज़दीक लॉटरबुनन और इंटरलेकन वो स्टेशन है, तो ये इजीली एक्सेसिबल भी होता है। तो ये विलेज हमें भी बहुत ही पसंद आया है, हमने सोचा है नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो वेंगन में ही रहने वाले हैं। तो इतना ये सुंदर था। तो ये सब नेचुरल ब्यूटी देखते हुए हम थोड़ा आगे की ओर जाते हैं,
तो यहाँ पे जो झरना नीचे जा रहा था वो हमें यहाँ से जाते हुए दिखाई देता है, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये स्नो कैप्ड माउंटेन और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये जाते जाते हमें यहाँ पे स्लग दिखाई दी है, बारिश होने की वजह से स्नेल और स्लग बाहर आते हैं, और आते समय हमें जो वाटरवे लगा था तो ये ऊपर से वाटरफॉल्स जो गिरकर आ रहा था तो उसका वो वाटरवे है, तो यहाँ से ये गुजर रहा है, तो यहाँ से ये देखते हुए हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे कुछ फोटोज़ निकालने के बाद अभी हम यहाँ से फिर से रिटर्न जा रहे हैं, और जाते जाते अभी हम दूसरे वे से जाएंगे। यहाँ वेंगन विलेज में जनवरी में लॉबरहॉर्न स्की रेसेस आयोजित होते हैं। यहाँ वेंगन में 1930 से क्लासिक स्की रेसेस शुरू है, और यहाँ पे ट्रेडिशनली सैलम जैसे इवेंट भी होते हैं, और यहाँ पे जो फेमस फीस अल्पाइन स्की वर्ल्ड कप है वो जनवरी में शुरू होता है। और हमें ये सामने दूसरा वाला चर्च दिखाई देता है, और ये स्विस कॉलोनियल चर्च है, और तीसरा वाला चर्च है वो स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है, और वो रोमन कैथोलिक चर्च है, और वो ऑनियन डोम जैसे दिखता है। और अभी हम मेन स्ट्रीट पर आए हैं जहाँ पे बहुत सारे शॉप है, तो ये देखते हुए अभी हम स्टेशन के नज़दीक जा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप स्की एक्टिविटीज़ या पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने वेंगन विलेज एक्सप्लोर किया है, तो हमें तो ये वेंगन विलेज बहुत ही पसंद आया है। तो आपको ये वेंगन विलेज कैसे लगता है मुझे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और हमारे साथ बने रहिए स्विट्जरलैंड सीरीज़ में। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इंटरलेकन